अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो। अभी हम इस टाइम स्कर्दू शहर में बैठे हुए हैं और अभी हम आपको लेके जाएंगे ब्लाइंड लेक शिखर, जो कि स्कर्दू से तकरीबन 30 मिनट्स की ड्राइव पर है। आप वहाँ पर पैदल भी जा सकते हैं, पैदल काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे होटल बल्तिस्तान रिजोर्ट पे, जो कि स्टे के लिए एक अच्छी जगह है। कि हम साथ चलते हैं और ब्लाइंड लेक देखते हैं, मालूम करते हैं वहाँ पे कि ब्लाइंड लेक इस तरह का लॉजिकल नेम या इस तरह का नाम क्यों रखा गया, वहाँ के लोकल से पूछेंगे। तो हमारे साथ रहिए। बेसिकली ताल्लुक कहाँ से है? सात वाला। तो यहाँ पे आप कैंटीन चलाते हैं? जी, कैंटीन चला रहे हैं। सही, क्या क्या अवेलेबल है आपकी कैंटीन में? कैंटीन में फास्ट फूड का निज़ाम है सर, तो ऑर्डर पे खाने की तैयार करते हैं, टेन सर्विस भी है। सही, और कोल्ड ड्रिंक जन स्टोर का भी निज़ाम है सर। सही, और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम? ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करते हैं। तो इस लेक के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी हमने, ये लाइक इसको ब्लाइंड लेक कहते हैं, यानी जरबा शोफ लेक इसका नाम रखा हुआ है। इसके पीछे क्या रीज़न है, इसका इस तरह का नाम क्यों रखा गया? जरबा असल में हम बल्ती में अंधे को देते हैं, सो झील हो गया, इसीलिए इसका नाम जरबा शो रखा है। जरबा शो इसीलिए कहते हैं कि इसका ना झील कोई आने का इनपुट है, ना जाने का आउटपुट पानी है। और इसीलिए ये नहीं पता कि हमें कि पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। सही सर, तो इसीलिए हम इसको जरबा शो कहते हैं, ब्लाइंड लेक। लेकिन हमने यहाँ के जो है कुछ लोगों से सुना है, इस तरह की कहानियाँ भी हैं कि यहाँ पे एक बूढ़ी बुढ़िया रहती थी पुराने ज़माने में, जो जिसकी एक आँख जो है वो अंधी थी, एक आँख से। नहीं, वो बिल्कुल झूठ है, कुछ भी नहीं, हम यहाँ मुकामी लोग हैं, हमें पता है, और इस तरह का कोई नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे आपने कहा कि यहाँ के जो फिश होती है या मछली, हाँ यहाँ अक्सर जो नेचुरल में जो मछली है ना, अभी जो हमने ट्रावल ला के फिशरीज वालों ने छोड़ा है कोई 50,000, इससे पहले इसमें बहुत सारे देसी मछली थी, वो देसी मछली आप जो भी मछली पकड़े इसका थोड़ा आँख ख़राब होते हैं, एक साइड हमेशा ख़राब होते हैं, इसीलिए इस वजह से भी हम इसको जरबा शो कहते हैं। सही, और दूसरी कहानी ये भी सुनी है कि रात के 2 बजे या 3 बजे यहाँ पे आ जाओ तो हमें मुख्तलिफ आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, ढोल की आवाज़ें। ढोल तो इधर बहुत होते, म्यूजिकल शो होते, लेकिन कोई किस्म का कोई आवाज़ नहीं आते। हम रात के 2 बजे तक इधर उठ के बैठे हैं, कस्टमर आते रहते हैं। और पहले यहाँ जो ना निज़ाम कुछ भी नहीं था, अभी कंटीन का भी है, अच्छा सिटे का भी हमारे पास 10 सर्विस है, कंटीन और ये जनरल स्टोर सारे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ट्रांसपोर्ट का भी निज़ाम है, मतलब जो भी लोग दूर दराज आते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुनासिब तरीके और बाज़ार से भी मुनासिब रेट पे यहाँ खाना दस्तियाब है आपके पास। पहले बहुत मसला होते थे, अभी तो इंशाल्लाह हम
ये सारे सर्विस शुरू किए हैं, जल बेहतर चला रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई साहब। यस जी नाजरीन, हमने यहाँ के लोकल से बात की और हमने रीज़न मालूम कर लिया कि यहाँ को इस लेक को ब्लाइंड लेक क्यों कहते हैं। तो बहुत सी स्टोरीज यहाँ के लोगों ने हमें बताई, लेकिन यहाँ पे जो कैंटीन चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं भाईजान और कैंप वगैरह यहाँ पे लगाते हैं, उन्होंने हमें बताया कि इसको ब्लाइंड लेक कहने के तीन रीजन्स जो कि आपने अभी सुने। यहाँ पे तकरीबन सारी सहूलियात मौजूद है, लाइक आप यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं, अच्छी जगह है कैंपिंग के लिए, और फूड वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है, सिक्योर है सारा इलाका। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन अश तुम्हें वो तो मैं ब्लाइंड लेके शे वो सर तुम पलो इस मुझे एक थे ना बाहर अचानक सुबह को वाकिया बस अच्छी हुई होगी तो कमे खेते खेते भाग के हमारा अचानक घूमूँ अनि साइड को घुमा लगी साहब वही घुमा साहब अनि साइड तारी से तारी चौदह कर दे बिखर तेरी हुई तो दजी कजे ध्यान रहा तो बैंक ना निसा डरा के वयो रंग दे लग जाए तो मारी 50 गिड़ी हुई ना सकता हम तो पर रंग गिरा जो तो थोस का अगर शौक था तो अनु पेज लाइक चा सब्सक्राइब किया तो बस दफा हम ना सकता तो कौन दी दाढ़ी पे बजक दे रहा तो भाई एक बजे आने वो जगह वाली रहो को जो आराम ना या चगा ये था ना कि मैं बच रंग तो यानी ही नशे दास्तान मेहरबानी तो